नमस्ते, मैं हूँ पायल रोहत की। आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ अबाउट अ इंसिडेंट दैट हैज हैपेंड इन माय बिल्डिंग। जी हाँ, जिस बिल्डिंग में मैं रहती हूँ इन अहमदाबाद, वहाँ पर एक कोविड केस पाया गया है, विच इज़ वेरी वेरी सैड एंड डिसअपॉइंटिंग। हमको सुनने में आ रहा है कि कोविड केसेस बढ़ रहे हैं एज पर न्यूज़ आर्टिकल्स, एज पर गवर्नमेंट इन्फॉर्मेशन। आज जब मैं अपना योगा ख़त्म करके अपने घर पे जा रही थी, तब मैंने देखा कि जो सोसाइटी का हाउसकीपिंग स्टाफ है वो मास्क पहने बिना सफाई कर रहा है। मैंने उसका वीडियो बनाया, वीडियो मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ, आप सब देख सकते हैं। मास्क नहीं पहनना भैया, आपको बिल्डिंग में कोविड केस है, आप मास्क क्यों नहीं पहन रहे हो? आप बिल्डिंग में रहते हो? नहीं ना, तो आप मास्क क्यों नहीं पहन रहे हो? ये बिल्डिंग के अंदर कोविड का केस है, आप जानबूझ के यहाँ पे बीमारी फैलाने आए हो। मास्क कहाँ है आपका? हाँ, जेब में है, जेब में रखने के लिए मास्क लाए हो आप। नाम क्या है आपका? क्या नाम है? वेरी गुड। ये मैं वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि बिल्डिंग में एक कोविड केस है और हाउसकीपिंग का स्टाफ मास्क के बिना काम करता है, विच इज़ वेरी वेरी रॉन्ग, विच इज़ वेरी वेरी अनएथिकल। सो दैट इज़ वाई मैं ये वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं और हमारी बिल्डिंग के अंदर जो स्टाफ है हाउसकीपिंग का, वो मास्क तो नहीं पहन रहा, विच इज़ वेरी वेरी बैड। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि देखिए, हम सबको पता है कि कोरोना एक महामारी है, कोरोना इज़ नॉट समथिंग विच इज़ जनरेटेड बाय बीजेपी। तो मैं यहाँ पर मोदी विरोधी लोगों को भी इतना ही कहना चाहती हूँ, अगर कोई है इस सोसाइटी के हाउसकीपिंग टीम के अंदर, कि देखिए कोरोना एक बीमारी है और कोरोना बीमारी को प्रिवेंट करने के लिए गाइडलाइंस इशू किए गए हैं। आप ऑब्वियसली अगर हाउसकीपिंग स्टाफ को रखते हैं जो सोसाइटी के बाहर से रोज आते हैं, तो उनको मास्क पहनना ज़रूरी है। यहाँ पर लोग कहेंगे मेरा वीडियो देख के कि पायल ने खुद मास्क नहीं पहना, मगर मैं योगा करके अकेले आ रही थी एंड योगा मैं अकेले करती हूँ। यूजुअली व्हेन आई एम इन माय हाउस और इन द विसिनिटी ऑफ माय हाउस, आई एम अवे फ्रॉम पीपल, आई मेंटेन 6 feet डिस्टेंस। मैं घर के बाहर बहुत कम निकलती हूँ, जब घर के बाहर निकलती हूँ तो मास्क पहनती हूँ, गाड़ी में भी मास्क पहनती हूँ, बिकॉज ट्रैफिक पुलिस वाले आपको रोक सकते हैं अहमदाबाद के अंदर अगर आप गाड़ी में मास्क पहने बिना पाए गए। तो मैं यहाँ पर सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ सभी लोगों को कि यहाँ पर पुरुष एंगल मत लाना, बिकॉज बहुत सारे लोग मेरा वीडियो देखकर ये कहेंगे कि मैं बेचारे पुरुष को परेशान कर रही हूँ। मैं किसी इंसान की नौकरी नहीं छीनना चाहती, बट यहाँ पर चाहती हूँ कि सभी मेरे सोसाइटी के अंदर लोग यू नो कोरोना से दूर रहें, एंड लोगों के अंदर भी एक समझ आनी चाहिए कि आप अगर कह रहे हैं कि बिल्डिंग के अंदर एक कोरोना पेशेंट है, तो आप बाहर से आने वाले हाउसकीपिंग स्टाफ को कैसे मास्क पहने बिना सफाई करने के लिए कह सकते हैं? अब मुझे नहीं पता व्हाट इज़ द एजेंडा बिहाइंड दिस एजेंडा, बट बहुत सारे लोग मेरे पे इल्ज़ाम लगाएंगे कि मैंने उस बेचारे आदमी की नौकरी खा ली। यहाँ पर मैं किसी की भी नौकरी नहीं खा सकती क्योंकि मैं भगवान नहीं हूं। मैं बस यही कहना चाहती हूं सभी लोगों को कि जो अपने सोसाइटी में वर्कर्स को देखते हैं मास्क पहने बिना, कि प्लीज टेल देम टू वेयर मास्क। अपने सोसाइटी के कमिटी मेंबर्स को, हाउसकीपिंग को बोलिए कि प्लीज बी विजिलेंट अगर आपका स्टाफ मास्क नहीं पहन रहा है, बिकॉज सभी सोसाइटी के अंदर कैमराज होते हैं। ऐसे ही लोग अगर बेपरवाही से इस वायरस को फैलाएंगे तो फिर कैसे हमारी सरकार इस वायरस को यू नो कंट्रोल में ला सकती है? वैक्सीन शुरू हो गई है, मैंने अपनी माता श्री को वैक्सीन दिलाई, वो अबव 60 रेंज में आती है तो उनको वैक्सीन मिल गई। मुझे अभी तक वैक्सीन नहीं मिली है, मेरे परिवार के बाकी सदस्यों को वैक्सीन नहीं मिली है जो 60 साल से नीचे उम्र के हैं। मैंने अपने पिताजी को वैक्सीन नहीं दिलाई क्योंकि वो घर से बाहर नहीं निकलते हैं एंड वो घर के अंदर ही रहते हैं ज़्यादातर, एंड ही हैज़ गॉट मल्टीपल हेल्थ इशूज़। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ, जब भारत सरकार इतना कुछ कर रही है भारतीय लोगों को सुरक्षित रखने के लिए, कोविड से बचाने के लिए, देन आई थिंक हम लोगों की भी थोड़ी बहुत जिम्मेदारी होनी चाहिए, सोसाइटी वालों की भी जिम्मेदारी होनी चाहिए जिस प्रकार से कोविड बढ़ रहा है उसे रोकने के लिए। प्लीज़ मेक श्योर दैट योर स्टाफ इन सोसाइटी वेयर्स मास्क वाइल क्लीनिंग योर सोसाइटी, बिकॉज ये लोग आते जाते हैं बाहर से एंड वी डोंट नो दे आर एक्सपोज टू वॉट काइंड ऑफ वायरस वेन दे आर ट्रैवलिंग फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड योर सोसाइटी। तो ये जनहित में वीडियो बनाया गया है, आई होप एवरीबडी टेक्स इट इन द राइट स्पिरिट एंड बिलीव्स इन अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। नमस्ते, जय हिंद।